नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार जो कल तक दावा कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सो बिहार के पटना हाईकोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। तो जिस बेंच ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, उसी बेंच में आपको रिव्यू फाइल करना पड़ता। आपने रिव्यू फाइल कर दिया, क्या परिणाम आएगा? वो बेंच तो अपने निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो देखिए, न तो इनको पटना हाईकोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है, न इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो। उनको लगता है कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आ जाएंगे, और जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तो उनको माइक पर भरोसा ज़्यादा है। उनको अति पिछड़ों पर भरोसा खत्म हो गया। उनको लगता है कि ये लोग तो बीजेपी के साथ चले गए, अति पिछड़ा समाज के लोग। तो नीतीश कुमार लंबे समय तक इस चुनाव को टालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक इस चुनाव को नहीं होने देंगे। तो बिहार के अति पिछड़ों को सड़कों पर आने की आवश्यकता है, और सरकार के इस अति पिछड़ा विरोधी चेहरे के खिलाफ में लड़ने की आवश्यकता है। तो नीतीश जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, क्यों हाईकोर्ट चले गए, इसका जवाब दीजिए आप।